चैन निकाल लिया, उसको चैन को घिसने के लिए पापा का नींद टूट गया, उसमें गए बरांडा में गए और उस चोर के साथ झपड़ा करने लड़ने लगे। लड़ने के फेरा में चोर पापा पटक दिया, उसके बाद में मारने लगा डंडा से, रड से मारने के बाद पापा को फिर चाकू से मारने लगा पेट में, और फिर मम्मी को ही मारा सर में। उसके बाद में फिर हम लोग दरवाजा खटखटा रहा था, तोड़ दिया, उधर से हम लोग बाहर से निकले, फिर चोर उधर से भाग गया, फिर दोबारा फिर एंट्री किया, चोर बंदूक उंदूक लगाया, पूरा घर तोड़ दिया सामने का। कितने लोग थे? गोली 12 लोग थे, गोली भी मारा है 2-3 बाहर भी अंदर में भी। अभी आपका पापा का जो हालत कैसा है? अभी तो खराब ही है। कहाँ पे है अभी? अभी हॉस्पिटल में भर्ती है। तो उन्होंने क्या कोई गहना या कुछ पैसा लूट के लिया गया? लिया गया सोना का, दो कितने नुकसान हुआ आप लोगों का इसमें, जो पैसा या गहना के? दो ही तो ये गया ना, दो का चेन ले लिया, बाहर का लड़का का भी एक चेन ले लिया। और लड़का था बाहर में, लड़का था वो 1:30 बजे रात को इधर से गुजर रहा था, उसके बाद में 1:30 बजे हॉस्पिटल से गया था, इधर से जा रहा था तो चोर पकड़ लिया उसको, और बोला कि बताओ इस घर में क्या कौन कैसे कैसे अंदर घुसना हमको बताओ, कमरा उमरा भी है कैसे घर में? वो बोला कि हम बहुत दिन से यहाँ, हम हाल में आए 2 महीना पहले आए हैं, हमको नहीं पता है यहाँ पर कौन है सर। तो वो उसको बांध लिया, उसको अंदर कर दिया, खोज रहा था किधर से घुसे, तो इधर पीछे का ग्रिल मेरा लिया, तोड़ दिया, तोड़ के उसके बाद अंदर घुस गया। मतलब जब वो घर अंदर आया उससे पहले बाहर वाला बाहर में एक को पूछा था इसके बारे में? बाहर में वो लड़का कौन था? वो लड़का बगल का था, घर में रहता है।